खबर हल्द्वानी से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर और पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली। सड़क पर फड़ और ठेलो जो लगाए हुए नजर आए थे, उनके ठेले और फड़ को जब्त किया गया। अतिक्रमणकारी दुकानदारों का चालान भी किया गया है। तो अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान हल्द्वानी में नजर आया है और ये पूरी कार्रवाई होती हुई बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चला। देखिए किस तरह से बुलडोजर के जरिए सब दुकानों को ध्वस्त किया गया। पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई नजर आई है और सड़क पर लगाए गए फड़ और ठेलों को जब्त किया गया। अतिक्रमणकारी दुकानदारों का चालान भी किया गया है। कम से कम अब तक मेरे कार्यकाल में हम लोग 10 से 12 बार इस अभियान को यहाँ पर चला चुके हैं, लेकिन ये जो अतिक्रमणकारी है बिल्कुल बाज आने पर तैयार नहीं है। और आयुक्त महोदय द्वारा भी काफी नाराजगी व्यक्त की गई है। बार बार हम लोग अतिक्रमण हटाते हैं, ये लोग बार बार पूरी रोड कवर कर लेते हैं और हमारा जो ट्रैफिक है वो इस रोड से बहुत ही ज्यादा चल रहा है। एम्बुलेंस भी निकलती है, बसें भी फंसती हुई है। आज इस तरीके का अभियान चलाया गया है, इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। जितना भी रोड पर अतिक्रमणकारी ने सामान रखा है सभी को जब्त किया गया है। और खबर पौड़ी से, जहां बैंकबाड़ी गांव में युवकों से मारपीट हुई है। नेपाल के मजदूरों पर मारपीट का आरोप लगा। गांव के युवकों से हुआ था नेपाली मजदूरों का विवाद और ग्रामीणों ने पौड़ी कोतवाली में तहरीर दी है। इसे लेकर युवकों को सिर और हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। तो बैंकबाड़ी गांव में युवकों के साथ मारपीट हुई है, पौड़ी से खबर आपको बता रहे। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। नेपाल के मजदूर पर मारपीट का आरोप लगा है और गांव के युवकों से नेपाली मजदूरों का विवाद हुआ था। ग्रामीणों ने पौड़ी कोतवाली में तहरीर दी है। युवकों के सिर और हाथ पैर में चोट आई है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्ली गांव के पास बैंकवाड़े में कुछ नेपाली के द्वारा एक छतरी में रहते हैं जो वहीं की लेबर है, किसी ठेकेदार की। तो बता रहे वहां सूचना वो कुछ वो हल्ला हो रहा हुआ तो गांव वाले दूर तीन लड़के गए वहां देखने के लिए। तो उनकी आपस में कुछ मारपिटाई हुई है, उस मामले में हमने अभी वहां गाड़ी भिजवाई है पुलिस की। तो उनको